वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू पालक। ठीक है, ये हमारे नमक मिर्च मसाले हैं। ठीक है, और ये हमें आलू चाहिए इसके लिए, और ये हमारे प्याज है, लहसुन है चॉप किया हुआ, और साथ मैंने 4 से 5 मैंने वो टमाटर डाले हैं। ठीक है, ये प्याज है, लहसुन है चॉप किया हुआ, मैंने शामिल किया हुआ, और साथ मैंने बीच में 4 से 5 जो है ना वो टमाटर थे छोटे से मेरे पास। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो फिर आप एक भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं। हम लहसुन और प्याज को टमाटर के साथ फ्राई करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसमें पानी थोड़ा सा शामिल करके इसको स्टीम दिला देंगे। ओके, ये आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना ना ब्राउन करना, बस लाइट लाइट सा हमने इसको अपनाना है। ठीक है, अब पानी शामिल कर दिया है, इसके बाद इसमें मसाले जाएंगे। अब अपने जायके के मुताबिक भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, जितने आपको नमक मिर्च आपको अच्छी लगती है, नॉर्मल खाना चाहते हैं आप नॉर्मल भी शामिल कर सकते हैं, मैं नॉर्मल ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। ठीक हो गया, मिक्स करेंगे। अब हम इसको स्टीम लगाते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, मैंने स्टीम लगा दी है सिर्फ 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम ओपन करेंगे और मसाला बनाएंगे। उतार लिया इसकी। ठीक है, अब हम इसका मसाला भूनते हैं। छिलका भी टमाटो का ना सेपरेट कर लिए, तो अब हम इसका मसाला बनाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी बनती है और बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत आसान तरीका है ये। पालक को ना मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया हुआ है, फ्रीज कर दिया हुआ है इसको, आप ताजी भी लेके काट के इसी तरह पका सकते हैं। ये देखिए, हमने मसाला जो है ना वो रेडी कर लिया, बिल्कुल एक जैसा हो गया मसाला, आप देख रहे हैं मसाले बिल्कुल एक जैसा हो गया है। अब हम इसमें आलू शामिल करते हैं। ये रहे हमारे आलू, बिस्मिल्लाह रहमान। अब हम इसको फ्राई करेंगे, अच्छे से इनको भूनेंगे आलूओं को। ठीक है ना, जब तक इनका मसाला जो है ना वो आलूओं के ऊपर नहीं लग जाता तब तक हमने इनको भूनना है। और ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे बीच में ये बिल्कुल छोटे से थे, मैंने कहा चलो इसको क्या काटने, इसको ऐसे ही शामिल कर लेती हूँ। ये आप देख रहे हैं, मैंने आलूओं को जो है ना फ्राई कर लिया, भून चुके हैं आलूओं को, अच्छे से भूना है। ठीक है, तो आलू मैं ज़रा ज़्यादा पसंद करती हूँ कुकिंग के अंदर खाने में। और इसके बाद जो है ना हमने पालक इनको भून के ना फिर हमने पालक शामिल करनी है। ठीक है, तो आलू जो है ना ज़्यादातर पसंद करती हूँ मैं, तो मैंने इसलिए आलू जो है ना ये आलू जो है ना वो ज़्यादा डाले हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। ठीक है, आलू जो है ना अच्छे से भून गए हैं, इन्होंने ऑयल भी छोड़ दी है। ये देखिए आयल भी सेपरेट हो गए, अब हम इसमें ना थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये अंदर तक जो है ना वो गल जाए।
एक कप के करीब अपने पानी का हमें करना है, ठीक है। हमारे जो है ना वो आधे से ज़्यादा जो है ना वो गल चुके हैं, तो अब जो है ना हम उनका पानी खुश्क करते हैं और उसके बाद हम पालक शामिल करेंगे। मेरी जो है ना पीस की हुई है ये पालक, ठीक है ना। इसका पानी मैंने खुश्क कर लिया था, फिर भी ये देख रहे हैं आप पानी इसका निकला हुआ है। तो अब जो है ना हम आलू को भून के ना तो ये पालक जो है ना शामिल करते हैं, ठीक है। हमेशा जो है ना कुकिंग करती हूँ ना, तो कुकिंग मैंने अपनी वालदा से सीखी थी, ठीक है। तो एक दफ़ा अपनी मम्मा को देखना खाना बनाते हुए, तो दोबारा मैंने बनाना जब तो सेम उसी तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने से कभी कोई ये नहीं किया। बहुत ज़्यादा आजकल कुकिंग के ना वो तरीके हैं, पर मैं उसी तरीके से चलती हूँ जो मैंने अपनी वालदा से सीखे हुए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत तारीफ करते हैं सब जो भी खाता है। तो सिंपल तरीके से और आसान तरीके से जो चीज़ बनती है वो बहुत अच्छी बनती है, तो आप जो ट्राई करिएगा ये। लेकिन माशाल्लाह से आयल भी सेपरेट हो रहा है आलू से, और अब हमारी बारी आती है पालक शामिल करने की, ठीक है। शामिल करने लगे ये पालक शामिल करती है मैंने। अभी नरम होके ना तो खुल जाती है, ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। ये आलू जो है ना वो मैंने निकाल लिए, सेपरेट कर लिए हैं, ठीक है, क्योंकि पालक जो है ना वो उसने बॉयल तो है पर उसने ना टाइम लेना है थोड़ा सा उसने भूनने में, ठीक है। और हमारे आलू जो है ना ऑलरेडी जो रेडी हो गए हैं, तैयार हैं, ठीक है ना। तो अगर हम पालक के साथ इसको करेंगे ना, पालक को भूनेंगे ना आलूओं के साथ, तो हमारे आलू जो है ना वो टूट जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। इसलिए मैंने आलू पहले अच्छे से मैंने फ्राई करके भून के, और फिर मैंने हल्का सा छट्टा दिया था पानी का, फिर उनको मैंने नरम कर लिया था। अब ये आलू बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक आलू चेक करवाती हूँ, ये देखें, ठीक है, हमारा आलू रेडी है। और ये देखें हमारी पालक भी जो है ना वो नरम हो रही है, खुल रही है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप जरूर ट्राई करिएगा। मैं तो गोद में डालने की थी, पर मेरे जो है ना मियाँ साहब उनको गोद में नहीं थी पसंद, वो कह रहे थे कि मुझे आलू में बना के दो। मैंने कहा चलो ठीक है, तो गोद में भी कभी ट्राई करूँगी, आपको दिखाऊँगी, बहुत ही लजीज बनती है। वो भी छोटा गोद था मेरे पास। तो ये देखें पालक जो है ना वो सेपरेट हो रही है, पानी भी खुश्क हो गया था और पालक जो है ना हमारी मेल्ट हो गई थी, और जो हमने आलू को भून के रखा हुआ था सेपरेट किया हुआ था वो हमने इसमें शामिल कर दिया, और हम इसको दम दे दिया। सिर्फ 5 मिनट तक ये जो है रेडी है, बहुत ही मज़ेदार है, आप जरूर ट्राई करिएगा।